विधानसभा प्रार्थी तुषाकांत चक्रवर्ती आम सब जोड़ी बांकी आज डबपड़ा मंडल कर्मी सम्मेलन आरंभ होता लोक जनमत आम देखुल विपुल मात्रा लोक समर्थन दौले और गोटे नारा दि जाऊला जे एथर डबल इंजिन सरकार तेज डबल इंजिन सरकार को लेकिन मत कौन रोच आलोचना सहित कर डबल इंजिन सरकार सब स्लोगान दौरान केमी भलपाइया लोक मिलूँ आपण मैंने तो आज उपस्थित अच्छा आपण मैंने देखिपे लोक सतर्कता हजार हजार संख्यार जो लोक मान जो सम्मेलन हो भारतीय जनता पार्टी डंपड़ा मंडल आज तरह कर्मी सम्मेलन आह्वान कर स्वतप्रभुतर माँ माँ भणी मान जो भाव में आज ये उपस्थित ता स्पष्ट भाव में बारी हूँ भारतीय जनता पार्टी बांकी निश्चित भाव में ये विजयी लाभ कर भारतीय जनता पार्टी जनसाधारण समाज में शेष धाड़ी या लोक मानी भारतीय जनता पार्टी सब लड़े आज जो आप देखी जो कहते शक्ति प्रदर्शन ता नुहे आप विगत दिन में दुई दिन तेज़ कलापथर मंडल जोन जो बैठक से स्पष्ट भाव में बारी पड़े लोक मानकर ये जो आक्रोश विजु जनता सरकार ये स्थानीय विधायक विरुद्ध में लोक मानक आक्रोश अच्छी लोक मैंने स्वतप्रोत बाहरी आउ ए सरकार नुहे आउ ए विधायक नुहे ये निश्चिंत भाव में ये भारतीय जनता पार्टी विधायक हम एवं सरकार भारतीय जनता पार्टी ओडिशा गठन कर अपरपक्ष आपड़ जो कथा कहे प्रिय प्रधानमंत्री आसमर गृहराष्ट्रमंत्री अमित शाह जी आसचिंत भाव ये तो ओडापी ये हूँ गोटे सुजोग ओडिशावासी प्रिय प्रधानमंत्री को जो ग्यारंटी कथा उठुच्छे प्रधानमंत्री को 10 वर्ष भितर जो जन गरीब जनकल्याण योजना कथा अच्छी सबगुड़ी तो लोक मैंने पहुँचवर आवश्यकता अच्छी से कथा को दृष्टि रखी मानने निर्वाचन परिप्रेक्षी सबू आम केन्द्र शीर्ष नेतृत्व ओडिशा आगमन आस लोक जो उत्साह अच्छी आज अमित शाह जी कटक आखिरी लक्षाधिक लोकों जनसमावेश भारतीय जनता पार्टी सपक्ष में ये जनमत हवा सृष्टि निश्चित भाव यह जून 4 तारिख में प्रतिफलन हो प्रत्येक दिन एवं बीजेपी तार कार्यकर्ता सहस्थ कार्यकर्ता नहीं आरंभ कर प्रचार तेरे यही परिप्रेक्षी में केंद्रीय नेता एवं ओडिशा ओडिशा सहित बांकी पहुंचती बांकी विधानसभा प्रार्थी और लोहसा प्रार्थी को हाथ मुठा टाण करने सहित किभरी मत निज सपक्ष आलोचना करेक्षी में आम सहित केंद्रीय नेता अविनाश बाबू जोड़ी आलोचना करवा बांकी आसन सर अर्गस न्यूज स्वागत करी सर कौन कहे सर बांकी बांकी का माहौल क्या है देखिए बांकी सहित पूरे उड़ीसा प्रदेश के अंदर उड़ीसा की जनता ने तय किया है कि इस बार हम लोग कमल खिलाएंगे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 3री बार हैट्रिक के साथ देश के प्रधानमंत्री बनने वाले पूरे गांव के अंदर पूरी विधानसभाओं के अंदर लोगों का जो उत्साह है जो जुनून है इस बार उड़ीसा ने परिवर्तन का तय किया है कि बीजू जनता दल के 25 वर्षों के कुशासन को भ्रष्टाचार को और विकास विरोधी मॉडल को खत्म करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ उड़ीसा अस्मिता के नाम पर जो वातावरण यहाँ बना है उड़ीसा के अंदर निश्चित इस बार उड़ीसा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएगी सर एक तरफ गुंडा राज 25 वर्ष का काला धन और एक तरफ विकास का मुद्दा कैसे देख रहे देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी ही देश के विकास की गारंटी है देश में सुशासन की गारंटी है देश में हर एक जाति धर्म वर्ग के लोगों के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उत्थान की गारंटी है पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की गारंटी दी है देश के स्वाभिमान की गारंटी दी है मैं कहता हूं उसी के आधार पर पूरे देश के अंदर अभी जबकि कल 13 तारीख को जब चुनाव हुए थे उसके बाद हम बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं अब जब 20 तारीख का 25 तारीख का 1 तारीख का जब चुनाव होगा उसमें हम 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इस बार देश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक ऐतिहासिक हार विपक्ष की होगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी क्योंकि देश की जनता चुनाव लड़ रही है नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना देंगे मतदाताओं क्या मैसेज देंगे देखिए मैं तो उड़ीसा की जनता को इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि उड़ीसा प्रदेश की अस्मिता का सवाल है जो पांड्या नाम का व्यक्ति जो उड़ीसा के अस्मिता के साथ में बेग तौर से कहीं न कहीं उड़ीसा अस्मिता के साथ में खिलवाड़ कर रहा है बहुत समय पहले अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे ये पांड्या नाम का व्यक्ति है उड़ीसा को लूटने के लिए आए हैं इसलिए उड़ीसा के लोगों को इतना ही निवेदन है कि आप लोग
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने विकास के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी को चुने, भारतीय जनता पार्टी को चुने और कमल के फूल को चुने। आपके पूरे उड़ीसा के अंदर सुशासन होगा, रामराज होगा और जो हिंदू संस्कृति को बचाकर रखने की जिम्मेदारी जो हमारे कार्यकर्ताओं की है, नरेंद्र मोदी के है, उसका पूरा काम करने वाले हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने सुभद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को आने वाले समय में 50,000 रुपये प्रत्येक महिला को देने का वादा किया है, बुनकर समाज को 3,000-3,500 रुपये प्रतिमा उनको आर्थिक रूप से संबल दिया जाएगा। और जिससे ये हमारा जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके जो खजाने की चाबी है वो कहीं न कहीं पांड्यान के पास में है, उस चाबी को वापस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करें, यही मेरा आह्वान है। धन्यवाद। तो सुनते आम सहित केन्द्र नेता अविनाश बाबू जोड़े थे कहते कि भाव में राज्य शासन चलती ये जो भाव में विकास को विनाश पथगामी करता कथा कहुए ये संपूर्ण भाव में विनाश आड़ गति कर आगामी जो 25 तारीख निर्वाचन आसी बहुमत भाव में बीजेपी सपक्ष में मतदान दवापी निवेदन करंकी रामचरण बेहरा अरगस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।